नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। गैर राजनीतिक समिति को आरक्षण पर फैसला करना चाहिए, भागवत। हरियाणा में आरक्षण को लेकर जाटों द्वारा जारी आंदोलन के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की पात्रता पर फैसला करने के लिए एक गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आरक्षण की पात्रता पर फैसला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। समिति को गैर राजनीतिक होना चाहिए ताकि कोई निहित स्वार्थ शामिल न हो। भागवत ने कहा कि समाज के किस वर्ग को आगे लाया जाए, उन्हें कब तक आरक्षण दिया जाए, इसे लेकर एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए। पीएम मोदी को लालू की चिट्ठी, बीमार गाय हो गई है रेलवे। पूर्व रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेलवे द्वारा की गई हाल की दो गलत नीतिगत पहल का उल्लेख किया है। उन्होंने रेलवे की तुलना जर्सी गाय से करते हुए कहा कि इस गाय की सेहत इस समय अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार न तो इस गाय का दूध निकाल सकी, न ही इसकी सेवा कर सकी, ये बीमार हो गई है। उन्होंने कहा कि LIC और जापान की JICE जैसे वित्तीय संस्थानों से $40 अरब उधार लेने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर अंधाधुंध कर्ज उठाना आत्मघाती हो सकता है। लालू ने कहा कि ये धन बुलेट ट्रेन जैसी धन पीने वाली परियोजनाओं पर लगाया जाना है जो लाभकारी नहीं है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाएगा भारत, पर्रिकर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत लड़ाकू विमान बनाने के लिए खुली स्पर्धा के ऐलान के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सरकार दुनिया का सबसे अत्याधुनिक विमान विकसित करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। पर्रिकर ने कहा कि मेक इन इंडिया योजना के तहत निजी क्षेत्र लड़ाकू विमान बनाने के एक दो संयंत्र लगा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विमानों की जरूरत तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी खरीद के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाए।